Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you vertebrata from a class 9 science book. And in this video, we are going to discuss all about vertebrata and the animals and subclasses of group vertebrata. Fine? So let's start. So vertebrata का मतलब होता है, जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा कि chordates होते हैं. Chordates का मेन फीचर होता है कि इनकी बॉडी में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड इनके बॉडी में कभी ना कभी प्रेजेंट रहे, या कभी इनके एम्ब्रियोनिक फॉर्म में रहे, या कभी जब ये बिल्कुल ही मतलब माँ के गर्भ में थे तब इनके शरीर का वो हिस्सा रहा हो. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड एक बेसिक फीचर है, एक कैटेगरी बनाई गई कि नोटोकॉर्ड जिसके अंदर रहेगा हम उसको कॉर्डेटा के अंदर रखेंगे. ठीक है, फिर वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद आया वर्टिब्रल कॉलम. तो नोटोकॉर्ड का ही एक एडवांस्ड वर्जन है वर्टिब्रा. ठीक है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसी को हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया किसने, वर्टिब्रल कॉलम ने, और वर्टिब्रेटा एक जो है नया सब क्लास बना. ठीक है, तो हम वर्टिब्रेटा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्टिब्रेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं. बेसिकली वर्टिब्रेटा में वो सारे एनिमल्स आएंगे जिनके के अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी. ठीक है, सो दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन अलाउइंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज फॉर मूवमेंट. तो जिस भी एनिमल में आपको वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड दिखती है और उसकी वजह से उसका एक बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. वर्टिब्रल कॉलम काफी लंबा होता है. ठीक है, जैसे हमारी नेक से लेकर के नीचे तक पूरा पीठ का एरिया कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम, और इससे डिफरेंट डिफरेंट मसल्स अलग अलग पॉइंट पे अलाइन होती है जिससे कि हमारे बॉडी का एक शेप, एक डिजाइन और एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. फाइन, सो वर्टिब्रल कॉलम्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल. बायलेटरल सिमेट्रिकल मीन्स राइट एंड लेफ्ट सेम साइड, जो दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स रहेंगी. ठीक है, ट्रिप्नोप्लास्टिक यानी तीन जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स रहती हैं इसके अंदर. सिलोमिक, ओके, सो सिलोम इनके अंदर, बॉडी के अंदर ट्रू सिलोम होता है. ट्रू सिलोम कैविटी होती है जिसके के अंदर सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फ्लडेड रहते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स इसी में रहते हैं सिलोम के अंदर. एंड सेगमेंटेड विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है यानी हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हर एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारी टिश्यूज रहता है जिनका कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है. तो ये और ये सारे के सारे टिश्यूज एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में बिहेव करते हैं. ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं. इनका जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है. इनका ऑस्मोरेगुलेशन या आपस में इंटरप्ले जो रहता है वो एक तरीके से रेगुलेटेड रहता है. तो वर्टिब्रेटा जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में से आते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बाद में इवोल्यूशन के थ्रू ये सबसे ज्यादा बाद में धरती पे आए हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. तो ऐसा माना जाता है कि जिन एनिमल्स में जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतने ही ज्यादा बाद में आए हैं या उतने ही ज्यादा वो एडवांस्ड हैं. ठीक है, सो ऑल कॉर्डेट्स पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पांच पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इन पांचों को आपको बिल्कुल मगअप कर लेना है बिकॉज दीज फीचर्स डिफाइन द कॉर्डेट्स एंड उसके अंदर कॉर्डेटा के अंदर सब फैमिली है हमारी जो है वर्टिब्रेटा. सो हैव अ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मीन्स एक स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम उनको बेसिकली हम उसको पूरा स्पाइनल कॉर्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड का एक प्रीवियस वर्जन है. ठीक है, सो हैव अ नोटोकॉर्ड, हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड. डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल मतलब पीछे, हमारा वेंट्रल आगे है, डॉर्सल पीछे है. डॉर्सल नर्व कॉर्ड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म्स लेयर होती है उनकी बॉडी के अंदर, एक्टोडर्म अंदर मीसोडर्म और उसके अंदर जो है एक्टोडर्म. हैव पेयर्ड गिल पाउचेस, बहुत सारे जो है वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में जो है गिल पाउचेस रहते हैं जिससे कि वो सांस ले सकते हैं. आर सिलोमेट यानी उनके अंदर ट्रू सिलोमेट कैविटी होती है. सो वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप इनटू सिक्स क्लासेस. ठीक है, तो अब वर्टिब्रेट्स को भी फर्दर सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया. ओके, सो उन सिक्स क्लासेस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. जो पहला क्लास था वो है साइक्लोस्टोमेटा.
ठीक है। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? छेद, पोर। प्लांट में भी स्टोमेटा पड़ते हैं ना, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो क्योंकि आप छेद, यानी इनकी बॉडी में भी ऐसे स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इसका ये मतलब है। साइक्लो, साइक्लो मतलब गोल सा, राउंड, साइकिल, ठीक है। सो साइक्लोस्टोमेटास आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। जो हमारी ये जॉ रहती है ना, ये जॉ, यहाँ पे जॉ बोन है, ये इन मछलियों में नहीं रहती है, जॉलेस बोन। जैसे ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका माउथ जो है बिल्कुल गोल है, ठीक है, साइक्लिक है एकदम, ये गोल है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा रखा गया है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। इसी वजह से हम इसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, क्योंकि इसका माउथ जो है वो बिल्कुल ही राउंड है, फाइन, यहाँ पे, ठीक है, एकदम राउंड है और इसके पास जॉ नहीं है, ओके। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। लंबी सी ईल फिश होती है ना, उसकी जैसी बॉडी रहती है, सर्कुलर माउथ। तो ये सर्कुलर माउथ बहुत ही जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी वजह से इसका नाम साइक्लोस्टोमेटास भी पड़ा है, ठीक है। स्लिमी स्किन, बिल्कुल फिसलन वाली स्किन है, जैसे छूने पे एकदम स्लिपरी लगेगी। एंड आर स्केललेस स्किन, जैसे आमतौर पे फिशेस की बॉडी में स्केल्स बनी रहती है, जैसे हम ऐसे फिशेस की बॉडी को ऐसे बनाते हैं जब, तो हम ऐसे ऐसे फिशेस बनाते हैं तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्केल्स लगाते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी जो है ऐसी नहीं रहती है, उनकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ रहती है, स्लिपरी रहती है, ठीक है, स्केल्स नहीं रहती है। दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। तो दूसरे वर्टिब्रेट, जो बड़ी बड़ी वर्टिब्रेट्स फिशेज रहती है, पानी के अंदर रहती है, तो भाई पैरासाइट है तो वो पानी के जानवर के ऊपर ही पैरासाइट होगी ना, ह्यूमंस के ऊपर तो पैरासाइट नहीं होगी। तो बहुत जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके अंदर ये एक्टोपैरासाइट की तरह रहती है। जैसे एक बड़ी सी मछली है, ऐसे बड़ी सी मछली है, ठीक है, तो ये छोटी सी मछली ये जा करके इसकी बॉडी में कहीं छेद करके, बोर छेद करके रहने लगेगी, ठीक है। इसके ऊपर की चमड़ी के ऊपर कीटाणु या कुछ भी ऐसा रहेगा तो वो खाएगी उसको, ठीक है। सो दे आर एक्टोपैरासाइट, एक्टो मतलब बाहर, ओके, और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। पेट्रोमाइजोन या लैम्प प्रे एंड मिक्सिंग हैक फिश आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो हैक फिश और लैम्प्रे जो है इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये साइक्लोस्टोमेटा है, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, पर वर्टिब्रेट्स में भी ये जो साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ा, ये बहुत ही नया नया वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आया रहता है, और ये बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं रहते वर्टिब्रेट्स में, पर वर्टिब्रेट्स के लिए बिगनिंग यही पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आता है पाइसिस, ठीक है। तो पाइसिस का मतलब होता है फिशेस, ठीक है। सो दीज आर फिश, पाइसिस मतलब फिश। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये पानी में रहते हैं। इधर दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर और इन कैन इट दे कैन लिव इन मरीन वाटर। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स, तो उनकी स्किन जो है स्केल्स या प्लेट से कवर रहती है। आपने देखा होगा जनरली जो फिशेज रहती है उनकी स्किन स्केल्स या प्लेट से कवर रहती है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, गिल्स स्लिट से पानी गुजारते हैं और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर बॉडी इज अ स्ट्रीम लाइन, उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो ये पाइसिस का मेन फीचर है कि दे हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब होता है कि जैसे आगे से एकदम पतला, ऐसे ये इस तरह के आगे से एकदम पतली जो रहती है बॉडी, उसको स्ट्रीम लाइन कहते हैं, ताकि ये इनको स्विम करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। एंड मस्कुलर टेल यूज फॉर मूवमेंट, और इनके पास मस्कुलर टेल होती है जिससे कि अपना मूवमेंट का डायरेक्शन बदलती रहती है, ठीक है। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हर्ट्स हैव ओनली टू चैम्बर्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, या इनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करके नहीं रख सकते हैं, वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर वही टेम्परेचर हो जाता है जिसपे कि जो कि हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। जैसे हम जो है हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बिकॉज चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है, यानी 37 डिग्री जो है हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है। लेकिन जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपनी बॉडी का खुद का कोई टेम्परेचर नहीं होता है, वो जो इनका एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है।
लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही हो सकती है, इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बाहर नहीं निकलते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये हाइबरनेट करते हैं, छुप के रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्नेक्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, फिशेस तो ये या तो अपना जहाँ रहते हैं वहाँ से अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं, अगर बहुत ठंड पड़ती है तो ये थोड़े गर्म इलाकों की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ओके। सो एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स, उनके हार्ट में जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स होते हैं, इसको आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो इस वजह से जो उनका प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी आपस में मिक्सिंग हो जाती है कई बार, तो इस वजह से उनका जो है बॉडी का एफिशिएंसी है या एनर्जी का प्रोडक्शन उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना कि ह्यूमंस में होता है, ठीक है। सो अनलाइक 4 चैम्बर्स दैट ह्यूमंस हैव, उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर होता है। सो दे ले एग्स और वो एग्स देते हैं, ठीक है, और हम जो एग्स देते हैं हम उनको क्या कहते हैं, ओविपैरस। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिश, सम विद स्केलेटन्स मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क्स एंड सम विद स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज। तो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनका स्केलेटन केवल कार्टिलेज का बना रहता है, जैसे हमारे कान है ये कार्टिलेज के बने हैं, लेकिन हमारे हाथ की जो हड्डी है वो बोन है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन का बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका पूरा का पूरा बॉडी का स्केलेटन जो है पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना हुआ है, और कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका कि दोनों का मिक्सचर है, सच एज ट्यूना और रोहू, सी एग्जांपल इन फिगर 7.22। सो सनक्रोपस स्प्लेंडाइटिस जिसको कहते हैं मैंडेरियन फिश, और ये है क्लाउपोफायरीन जॉर्डेनी जिसको हम एंग्लर फिश कहते हैं, ये है टेरोसिस वोलिटेंस जिसको हम लायन फिश कहते हैं, ठीक है। तो ये सब पाइसिस के एग्जांपल्स हैं, और ये है इलेक्ट्रिक रे जिसको हम टॉर्पीडो भी कहते हैं, दूसरा है स्टिंग रे, ठीक है, इन सबका आपने डिस्कवरी में देखा होगा, ठीक है। और ये है स्कॉलीडॉन या हम डॉग फिश कहते हैं या जो है शार्क कह सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज आर आप कह सकते हो ये सब के सब पाइसिस के एग्जांपल्स हैं, फाइन। अब हम दूसरा जो है यहाँ पे कुछ पाइसिस और दिए हुए हैं, ये लेबियो रोहिता, ठीक है, मेल हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, और ये एक्सोसीटस है जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, ठीक है, और ये एनाबस है क्लाइंबिंग प्रज, ठीक है, ये सब पाइसिस है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे क्लास, वो है हमारा एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया का मतलब आप सब जानते ही, एम्फीबिया मतलब वो एनिमल्स जो कि पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, दोनों में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम एम्फीबियन कैटेगरी में रखते हैं। सो दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स, तो एम्फीबियंस के पास स्केल्स नहीं होती जैसे फिशेस के पास रहती है, इवन तो कि ये भी पानी में रह सकते हैं लेकिन इनके पास स्केल्स नहीं होती है, ठीक है। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन एंड ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इनकी स्किन पे म्यूकस, एक जैसे आप फ्रॉक को देखते हो एक उसके ऊपर स्लिपरी सा म्यूकस सा लगा रहता है ना उसकी टच करने पे, ऐसे भी शाइन करता है, तो इनके स्किन के ऊपर एक म्यूकस ग्लैंड रहता है इन द स्किन एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इनका हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है। तो पाइसिस में हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड, एंड एम्फीबिया में हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। सो रिस्पिरेशन इज थ्रू ईदर गिल्स और लंग्स, तो जब ये पानी में रहते हैं तो गिल्स से रिस्पिरेशन करते हैं, और जब ये मतलब लैंड पे रहता है तो इनका लंग जो है फंक्शन करता है, ठीक है। सो दे ले एग्स, और ये एग्स जो है ले करते हैं, ठीक है। फ्रॉग तो जनरली जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब पानी में अपने अंडे छोड़ देता है, और फीमेल के एग भी वो जो है वो पानी में छोड़ देती है, और मेल के स्पर्म भी पानी में छोड़ देते हैं, पानी में एक्सटर्नली दो फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉग्स एंड टोड्स एंड स्लेमेंडर्स आर सम एग्जाम्पल्स, तो स्लेमेंडर है, टोड है, राना टिग्रिया जिसको कॉमन फ्रॉग कहते हैं और हाइलेट्री फ्रॉग कहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस के, ठीक है। सो उसके बाद हम देखते हैं रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टाइल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि जमीन पे रेंग के चलते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, और इस क्लास को रेप्टिलिया कहते हैं, ठीक है। सो दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल ही रहते हैं, यानी ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है।
सो हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. और इनके पास इनकी बॉडी पे भी स्केल्स रहते हैं, जैसे सांप देखते होंगे आप, है ना, और कैमेलियन देखते होंगे, टर्टल देखते होंगे. तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल रहता है और ये लेकिन लंग्स से ब्रीथ करते हैं. ये जो है वो पानी में सांस नहीं ले सकते हैं. सो वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट. तो सारे रेप्टाइल्स के पास जो है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है पर उसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. ह्यूमन के जैसा ही हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है. सो दे ले एग्स विद टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियस. तो ये भी अंडे देते हैं और इनके अंडे के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है और इनको पानी की जरूरत नहीं होती है अंडे देने के लिए, ठीक है. सो स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स फॉल इन दिस कैटेगरी. तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं जानवर? टर्टल्स आते हैं, कैमेलियन आते हैं, स्नेक आते हैं, ठीक है. तो ये सारे के सारे, फ्लाइंग लिजर्ड आती है, हाउस वॉल लिजर्ड या हेमिडेक्टाइलस आती है. तो ये सारे एनिमल्स जो है वो रेप्टिलिया कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है वो है हमारा एवीज. सो एवीज क्या होते हैं? एवीज मतलब बर्ड्स, चिड़िया, पंछी, ठीक है. सो दे आर, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो जो एवीज हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका खून, यानी इनका जो बॉडी का टेम्परेचर वो फिक्स रहता है. ऐसा नहीं है कि सर्दी में इन्वायरमेंट के हिसाब से रहता है. जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, वैसे ही ये बर्ड्स भी जो है वो वार्म ब्लडेड हैं. एंड हैव ए फोर चैम्बर्ड हार्ट. इनके पास भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है क्योंकि ये फ्लाई करती हैं, इनको काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तुरंत का तुरंत चाहिए होता है. इस वजह से इनका हार्ट काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है और वो फोर चैम्बर्ड होता है. सो दे ले एग्स, ये एग्स देते हैं. देर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर्स एंड टू फोर लिम्स एंड मॉडिफाइड फॉर फ्लावर्स, ठीक है. सो इनके पास जो है वो फीदर्स होते हैं और इनके दो आगे के हाथ जैसे हमारे पास हैं, इनके फीदर्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, पंख के फॉर्म में, ठीक है. सो दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और इनके पास भी लंग्स होता है. ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी. और सारी बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स हैं, वो सब एवीज की कैटेगरी में आती हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितना भी डिफरेंट हो. जैसे कि वाइट स्टॉर्क, सिकोनिया, ऑस्ट्रिच, मेल टफल्ड डक, ठीक है, पिजन, स्पैरो, क्रो से ये ऑल दीज जो है ये एवीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. और अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका के नाम है मेमेलिया, ठीक है. सो मेमेलिया कौन एनिमल्स होते हैं? मेमेलिया जैसे कि हम आप, ठीक है. तो मेमेलिया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या मेमल्स उनको हम कहते हैं, जो कि जिनके की पास है मेमोरी ग्लैंड होता हो, ठीक है. तो इस वजह से उनका नाम हमने मेमेलिया रखा है. सो मेमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, विद फोर चैम्बर्ड हार्ट, और उनके हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं. दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग्स, ठीक है. सो उनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड होता है. सो देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. तो इनके स्किन में हेयर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है. ज्यादातर मेमल्स के अंदर ही सब होता है. सो मोस्ट मेमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस. तो जितने भी मेमल्स ज्यादातर हमने देखा है, वो सब जो है वीवी पेरस होते हैं, यानी वो अपने अंडे नहीं देते, वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है. हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक प्लैटिपस एंड इकिग्ना ले एग्स एंड सम लाइक कंगारू गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन फिगर 7.26. तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं. ज्यादातर मेमल्स तो बच्चा ही देते हैं, लेकिन प्लैटिपस और इकिडना जो है वो एग्स देते हैं, इवन दो दे आर मेमल्स, ठीक है. सो द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज शोन इन फिगर 7.27. तो फिगर 7.27 को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो अब हम जानते हैं एक बहुत ही अच्छे या बहुत ही पायनियर साइंटिस्ट के बारे में, जिसको कहते हैं करोलस लिनियस, या इनका पूरा नाम था कार्ल वॉन लिनियस. तो इनका असली नाम कार्ल वॉन लिनियस था, लेकिन इन्होंने टू नेम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, यानी नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था. क्योंकि जैसे आप जानते हो कि कभी किसी शहर में किसी चीज का नाम कुछ है, किसी शहर में किसी नाम का कुछ है, एक ही चीज के दो तीन नाम है, ठीक है. तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है. जैसे कि पहले के जमाने में
कोई बच्चे को सोनू बुला रहा है, कोई मोनू बुला रहा है, कोई रिंकू बुला रहा है, कोई टिंकू बुला रहा है, तो एक ही बच्चा है लेकिन सब लोग उसको अलग अलग नाम से जान रहे हैं। तो फिर क्या ट्रेंड शुरू हुआ कि बच्चे का घर का नाम कुछ भी हो लेकिन उसका एक ऑफिशियल नेम होगा ही होगा, ताकि ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि भाई किस बच्चे की बात हो रही है ना, तो उसके ऑफिशियल नाम से फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, कहीं पर उसको कोई कुछ कहता है, कहीं पर उसको कोई कुछ कहता है, तो इससे आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो उन्होंने इस वजह से टू नेम नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया कि हर एक स्पीसीज के दो नाम रहेंगे, एक उसका स्पीसीज नेम और एक उसका जेनेरिक नेम। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम को भी कार्ल वॉन लीनी से कार्ल कार्लस लीनियस कर लिया। ठीक है, सो वॉज बॉर्न इन स्वीडन एंड वॉज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। स्वीडन में पैदा हुए और डॉक्टर थे प्रोफेशन से। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एट द एज ऑफ 22 ही पब्लिश हिज फर्स्ट पेपर ऑन प्लांट्स। तो उनको प्लांट्स में काफी इंटरेस्ट था इवन दो ही वॉज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। एट द एज ऑफ 22 ही पब्लिश हिज फर्स्ट पेपर ऑन प्लांट्स while serving as a personal physician of a wealthy government official, he studied the diversity of plants in his employer's garden. So, employer's garden में उन्होंने diversity of plants को study किया। Later, he published 14 papers and also brought out the famous book Systema Naturae. तो ये बहुत important है, कई बार question पूछा जाता है कि Systema Naturae book के author कौन है, तो आपका answer होगा Carolus Linnaeus। ठीक है, फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल रिसर्चर्स हैव टेकन ऑफ। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज अ सिंपल स्कीम फॉर अरेंजिंग प्लांट्स सो एज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देम अगेन। ठीक है, तो इनका जो ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है आज भी हम फॉलो करते हैं और इससे साइंटिफिक रिसर्च में काफी मदद मिली है। ठीक है, तो अब हम एक ब्रीफ से आउटलाइन जान लेते हैं एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और इसके लिए क्या बेसिस को यूज किया गया। सबसे पहले एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया लिया गया कि उनका सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर वो एक सेल से बनके बने हैं, ठीक है, मतलब अगर वो सिर्फ सेल से मिलके बने हैं, मतलब सेल्स के अंदर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई लिंक नहीं है, तो हम इस तरह के एनिमल्स को कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि केवल एक ही हमारा फाइलम आता है, वो है पोरीफेरा। ठीक है, उसके बाद वो एनिमल्स आते हैं जिनके के पास सेलुलर लेवल से एक लेवल ऊपर यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी बॉडी में टिश्यूज है, टिश्यूज आपस में इंटरैक्ट करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल को फिर फर्दर हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, सो दूसरी हमारी कैटेगरी है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि उसको फिर से हमने टिश्यू, अगर सारे एनिमल्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं तो फिर से हमने उसमें डिवीजन किया कि नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, यानी ये सिलोमेट या ए सिलोमेट हमने इनको कहा, जिसमें कि दो फाइलम आते हैं सिलेंटेटा एंड प्लैटीहेलमिंथिस, इनकी बॉडी में सिलोम नहीं होता है। फिर वो ऑर्गेनिज्म आए जिनकी की बॉडी में सूडोसिलोम यानी सिलोम लाइक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो उसको हमने कहा सूडोसिलोम, और उसके अंदर एक ही कैटेगरी आई नेमाटोडा की, और तीसरी हमारी कैटेगरी आई सिलोमेट की, यानी वो एनिमल्स जिनके अंदर की ट्रू सिलोम हो। ठीक है, तो अब उनके अंदर भी दो कैटेगरी आ गई सिलोमेट के अंदर भी कि मीसोडर्मल सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। अब मीसोडर्मल जो सेल्स है जैसे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है मीसोडर्म है। मीसोडर्म का ओरिजिन कैसा है? ठीक है, सो मीसोडर्मल सेल्स फॉर्म अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, और इसके अंदर आता है एनलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। वही दूसरी फिर से कैटेगरी बनती है सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म। ठीक है, तो पाउचेस से अगर जो है हमारा सिलोम बना है तो हम उसको क्या कहेंगे कि मतलब दो ये दूसरी कैटेगरी। और इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन अगर हम करें तो होगा नोटोकॉर्ड, नो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। तो नो नोटोकॉर्ड में कौन आता है इकाइनोडर्मेटा, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट में आता है हमारा कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट लीस्ट लार्वर फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री, इसके अंदर आता है हमारा प्रोटोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, तो वो एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है लेकिन अब वो मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लिया है। ठीक है,
और फिर हमने उन एनिमल्स को और फर्दर डिवाइड किया कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बन गया है, तो हमको मिला है जॉ लेस, ई लाइक सर्कुलर माउथ, स्केल लेस, स्लिमी स्किन, जिसका की एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। फिर दूसरा मिला एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स, कार्टिलेज ब्रीथिंग थ्रू गिल्स, वो हमें को पाइसेस मिला। फिर गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्ट एनिमल्स, स्लिमी स्किन, तो हमें उसका एग्जाम्पल मिला एम्फीबिया। तो ये सब के सब वर्टिब्रल वर्टिब्रेटा के डिवीजन है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स लेइंग एग आउटसाइड वाटर, ये है रेप्टिलिया। एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स लेग एग आउटसाइड वाटर पॉसिबल, ठीक है। सो एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर एक्सटर्नल ईयर्स मोस्टली गिविंग बर्थ टू द यंग लाइव यंग्स, ये हमारा आ गया इसके अंदर मेमेलिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये एनिमल्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वन अपील आई वांट टू मेक विद यू ऑल इज दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।